गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे बियर, यहाँ पे मैं जा रही हूँ मेरे चाचा चाची से मिलने। तो चलिए फिर चलते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर से और ये देखिए, ये जो आपको खेत में येलो वाली जो खेती दिखाई दे रही है वो सारी सरसों उगाई हुई है। ये देखिए जो पीली वाली दिख रही है आपको, ये और बस अब हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके में। हम लोग पूरे 2 साल बाद आए हैं हमारे गांव में और कई साल आए थे हम, बट हम मुंबई से गए थे हिमाचल प्रदेश घूमने और ये बार हम गांव में आए हैं। और बस सब खुश है गांव में आके, रोज हम जा रहे कहीं ना कहीं। और अब हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी थी साइड में और ये लिए हैं मेथी के भजिए, मेथी ना भजिया जिसको गुजराती में बोलते हैं, और कचौरी भी है क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब रास्ते पे कहीं हम जा रहे होते हो और स्ट्रीट फूड देखते हो तो लेके खाना, तो बस हमने लिए हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं पालनपुर डीसा हाईवे पे, और ये जो हाईवे है ना वो इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है ना, बहुत ही अच्छा। और यही रोड जाती है सीधी राजस्थान। अब हम पहुँचे हैं डीसा में। डीसा एक सिटी है बहुत ही फेमस गुजरात की, तो वहाँ से जो मेरे चाचा जी हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं गांव में क्योंकि वो कुछ आए थे काम से डीसा में। और ये देखिए ये फूल गोभी जा रही है जो कि अभी अभी निकाली होगी शायद खेत से, और ये सुंदर सा गांव का रास्ता बहुत ही अच्छा। और ये है मेरे चाचा जी जो आगे मुकेश के बाजू में बैठे हैं, और ये जो आप देख रहे हो उसको नहर बोलते हैं, इससे गांव के खेतों में पानी पहुंचता है। और ये सारा रास्ता मुझे बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मेरा गांव आने वाला है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेरे मायके के घर में। तो ये है मेरे मायके का घर, अंदर से कुछ ऐसा लगता है मेरा घर, बहुत पहले का बना हुआ है पर मेरे लिए वो आज भी उतना ही नया है क्योंकि ये घर के अंदर मेरी बहुत सारी यादें हैं, मेरा पूरा बचपन है। जब भी हम वेकेशन में आते थे छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में मुंबई से यहाँ पे, तो बहुत ही मानो बहुत ही मज़ा करते थे हम यहाँ पे। तो ये है मेरे चाचा जी, तो मिलिए मेरे चाचा जी से। मेरे चाचा जी आज बहुत खुश है क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पे मिलने उनसे। और ये है हाथ पंखा
जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये हाथ पंखा ही काम आता है हमारे। और जब भी कोई फंक्शन होता ना तो हम सब यहाँ पे मिलके बहुत ही एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी एक कबाट बना हुआ है, ये कबाट है दीवार के अंदर, और यहाँ पे चारपाई है जिसको गुजराती में खाटलो कहवाए। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो साइड में, वो इसलिए लगाया क्योंकि धूप बहुत आती है, शाम की पूरी धूप घर में आ जाती है, इसलिए पर्दे जैसे लगाए हुए हैं। और आइए मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी चाची से, मारा काकी थी हूँ तुमने मड़ाऊ आज है मारा काकी। ये है मेरे चाची जो कि आज खाना बना रहे हमारे लिए। और ये काकी बना रहे हैं हलवा हमारे लिए। और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए चारपाई भी रखी है, यानी शाम को यहाँ पे सब बैठ के बात करते हैं। और यहाँ पे ना घर के ऊपर शाम के टाइम में ना मोर आते हैं, पिकॉक आते हैं, तो देखना बहुत अच्छा लगता है। और इस साइड है तुलसी, तुलसी का पौधा, और ये है नीम का पेड़। गुजरात में बहुत सारे नीम के पेड़ आपको देखने मिलेंगे, और जब भी गर्मियाँ होती ना तो ये जो नीम के पेड़ की जो छाया होती है ना वो बहुत अच्छी है, होती है, ठंडी लगती है थोड़ी, उसके नीचे बैठना। तो अब हम खाना खाएंगे और फिर हम वापस से चले जाएंगे मेरे ससुराल में। अब हम वापस जा रहे हैं, वक्त हो चुका है, और ये देखिए मेरी काकी, और ये भी मेरी एक बड़ी मम्मी है, मेरे दूसरी चाची है, मेरे एक दूसरे चाचा जी हैं। अब हम निकल चुके हैं वापस से मेरे ससुराल जाने के लिए, और शाम के 4:30 बज चुके हैं, और मन तो बहुत था यहाँ रहने के लिए बट टाइम नहीं है, काफ़ी कम टाइम के लिए आए हैं हम, तो बस कोई नहीं दोबारा आ जाएंगे हम। चलिए फिर चलते हैं, अब हम पहुंच जाएंगे थोड़ी ही देर में डीसा। अब आ गई है डीसा की फाटक, और ये आ गई है मालगाड़ी, ये मालगाड़ी है ये, जो कि बहुत ही बड़ी रहती है, लंबी रहती है, बहुत सारे डिब्बे रहते हैं इसमें मालगाड़ी में। और ये बस फाटक खुल गई, अब हम जा रहे हैं। ठंडी की सीज़न है तो बहुत अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना, वरना अगर समर हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
रात के 10 बज चुके हैं और हमने खाना खा लिया है, हम शाम को ही पहुंच चुके थे। तो बस अब ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। दोबारा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।